शूद्र कम्युनिटी को और अवर्णों को बोलने की भी इजाजत नहीं थी, वही हालात पैदा किए जा रहे हैं। ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि गुरु रविदास जी का आस्थाना तोड़ा जाएगा, उनका मंदिर तोड़ा जाएगा। अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको इस बेरहमी से क्रश किया जाएगा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाएगा, उसके बाद अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, तो आपको आपके परिवारों तक को मिटा दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये जो चलन चल रहा है ये मनुस्मृति की याद दिलाता है। इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद साहब की फैमिली तक को टारगेट किया जा रहा है, उनके दोनों भाइयों का नाम सहारनपुर की FIR में लिखा गया है उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, वो भी बहुत ही निंदनीय है। जो मनुस्मृति जब तक लागू थी देश में, उस समय जैसे शूद्र कम्युनिटी को और अवर्णों को बोलने की भी इजाजत नहीं थी, वही हालात पैदा किए जा रहे हैं। ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि गुरु रविदास जी का आस्थाना तोड़ा जाएगा, उनका मंदिर तोड़ा जाएगा। अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको इस बेरहमी से क्रश किया जाएगा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाएगा, उसके बाद अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, तो आपको आपके परिवारों तक को मिटा दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये जो चलन चल रहा है ये मनुस्मृति की याद दिलाता है, हमें इसका बहुत ही मजबूती के साथ विरोध करना है। जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।